अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल राजपूत फ्रॉम बिलाल स्टूडियो, वेलकम बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी अर्से के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आए हैं। तो हम आपको गाइस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं इंडोर शूट। इंडोर शूट में दो स्टेप हैं, तो हम आपको कैमरा सेटिंग भी बताएंगे, पोजिंग वगैरह भी बताएंगे, और जो हम लाइट वगैरह सेटअप इंडोर में यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि फ्लैश लाइट को कैसे यूज़ करना है और क्या सेटिंग होनी चाहिए, कैमरे की क्या सेटिंग होनी चाहिए। तो और जो हम अपना कैमरा यूज़ कर रहे हैं वो है 60-50 mm लेंस के साथ कैनन है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इंडोर कैमरा सेटिंग बताएंगे। कैमरा सेटिंग में हमारे पास है 6G। तो 6G की कैमरा सेटिंग, सबसे पहले तो हमने ISO देखना है। ISO हमारा 100 होना चाहिए, ठीक है। और ISO को सेट करने के लिए हमारे पास 6G के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर हमने डिस्प्ले से यानी कि सेटिंग करनी है ISO की, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेट पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला टायर जोन है, इसको हम आगे पीछे करेंगे तो ये हमारा ISO यानी कि ज़्यादा होगा और कम होगा। और हमने इंडोर में ISO रखना है 100, ठीक है। इसको ओके करना है, और ओके करने के बाद अपर्चर जोन से है यहाँ, यानी कि हमारा लेंस कौन सा है, हमारे पास है 50 mm लेंस, तो इसका अपर्चर है 1.8 हम इंडोर में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडोर में 1.8 यूज़ करने से ब्लर आएगा, फोटो में ब्लर आएगा, यानी कि हम किसी भी चीज़ पे फोकस करेंगे ना तो एक चीज़ फोकस हो जाएगी और दूसरी चीज़ ब्लर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपर्चर जोन से है वो हम रखेंगे 2.8, ठीक है, 2.8 अपर्चर रखना है। फिर आ जाना है शटर स्पीड। शटर स्पीड लाइट सेटअप के मुताबिक हमने सेट करनी है। हमारे पास फ्लैश गन है, तो हम फ्लैश गन के मुताबिक लाइट यानी कि ना अपर्चर सेट करेंगे। हम सेट कर रहे हैं अभी 80 या 100, हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है, इसको भी यानी कि सेट करने के 100 रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस जो है ना कलर ट्यून के लिए बेस्ट होता है। वाइट बैलेंस में काफ़ी ऑप्शन है, और हम जो सा ऑप्शन यूज़ करेंगे वो कैनवल का है। कैनवल को हमने 5000 पे यूज़ करना है। तो इसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में हम स्टैंडर्ड पे यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड को हम सेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड आ जाएगा। इन ऑफ पे क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड की सेटिंग आ जाएगी। स्टैंडर्ड की सेटिंग हमने करनी है, शार्पनेस ज़्यादा कर सकते हैं, कलर ट्यून ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने ये सारी सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग ये करके हमने अपना इनडोर का शूट स्टार्ट करना है। तो हमने गाइस अभी ये सारी कुछ सेटिंग कर ली है, इस सेटिंग के मुताबिक हम इनडोर का हम शूट स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं इनडोर शूट की तरफ। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, आज के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।